हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मेरे देश की धरती के बारे में, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां पूरे देश भर के किसान केंद्र सरकार से विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इस बीच एक्टर देवेंद्र शर्मा की आने वाली फिल्म किसानों की बुरी स्थिति पर ही केंद्रित होने वाली है। इस फिल्म पर देवेंद्र पिछले साल से काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी रिलीज टल गई थी। अब बताया जा रहा है कि फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। इस फिल्म का नाम मेरे देश की धरती है। फिल्म के बारे में बात करते हुए देवेंद्र ने कहा कि मैंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और इसमें मैं एक इंजीनियर का किरदार निभा रहा हूँ। वो इंजीनियर एक दूर दराज के गांव में पहुँचता है और किसानों की दुर्दशा देखता है। इसके बाद वो किसानों की खेती के लिए नए तरीकों के जरिए मदद करता है। फिल्म पूरी तरह मेरे किरदार पर ही निर्भर है और मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, लेकिन ग्रामीण जीवन के कारण उनकी जिंदगी को एक मकसद मिल जाता है। फिल्म में देवेंद्र के अपोजिट अनुप्रिया गोयनका दिखाई देंगी। फिल्म में काम करने के बाद देवेंद्र किसानों की परेशानियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, आपने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के किसानों की कहानियां सुनी होंगी और आपको उसकी दुर्दशा का पता होगा। मैं इस फिल्म के जरिए पानी की समस्या को समझ सका हूँ, जो गन्नों की मिलों के कारण हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बनाई गई योजनाओं का पैसा ही उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। बता दें कि हाल ही में देवेंद्र शर्मा अपनी फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर के सेकंड सीजन के कारण काफी चर्चा में बने हुए थे, जिसमें उनका मुन्ना त्रिपाठी का किरदार काफी पसंद किया गया था। इसके बाद उनकी एक और वेब सीरीज सुबह खेल भी रिलीज हुई है और इसमें उन्हें देवेंद्र के किरदार से काफी ज्यादा सराहना भी मिल रही है। वेल दोस्तों, आप कितने हैं एक्साइटेड देवेंद्र शर्मा की अपकमिंग फिल्म मेरे देश की धरती के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।